गुलबर्गा शहर में जमियत अहले हदीस मरकजी मस्जिद गाजीपुरा में एक इफ्तार पार्टी रखी गई थी, जिसमें कई इलाके के हिंदू भाइयों ने भी शिरकत कर मौजूदा मुल्क के हालात में इंसानियत और भाईचारगे का पैगाम दिया है। चप्पल बाजार से मिलन चौक तक के तमाम हिंदू मुस्लिम भाई मस्जिद गाजीपुरा इफ्तार पार्टी में शिरकत किए थे। इस इफ्तार पार्टी के दौरान दीपक रेड्डी, राजू, दिलीप गौड़ा, सूरज पांडे नामी हिंदू भाइयों ने मीडिया से बात कर कहा, धर्म के नाम पर कई सियासतदान दंगा करते आ रहे हैं, लेकिन हम सब हिंदू मुस्लिम भाइयों को मिलकर एक साथ रहना होगा। गुलबर्गा शहर में बचपन से हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते आए हैं और आगे भी इसी तरह रहना होगा। और मस्जिद के इमाम ने भी इस मौके पर भाईचारगे का पैगाम देते हुए कहा, मुल्क में हर मजहब के लोग मिलकर रहते आए हैं। मस्जिद में इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज कर हर साल की तरह इस साल भी हिंदू भाइयों को दावत देकर मोहब्बत का पैगाम दिया गया है। इफ्तार जो खाना रखे हैं मिलन चौक में, मिलन चौक गाजीपुरे में है, रखे हैं सब भाई भाई सरका है, सबको लोगों को बुलाए गली में मिलन चौक में, पूरे चप्पल बाजार से पकड़ के मिलन चौक तक बुलाए सबको, नीचे तक बुला के इफ्तार के लिए सबको बुलाए, सब भाइयों को नमस्ते करता हूँ। सब जिन्हें अच्छे से चलना, चुप हो, दंगा बाजार करने वाले करते रहते, जाने वाले सब भाई भाई आए, सरके आए, हम सब बचपन से देखते आए, बचपन से अच्छा है, हम इधर से हम सब एक है, सब एक से सरकार हम चलने वाले हैं, बोलने वाले बोलते रहते, करने वाले करते रहते, ये ऐसा करके दंगा पता करें, हुबड़ी में परेशान करें किसको, थोड़े के बाद से सब परेशान हुए, ये पॉलिटिक्स वाले हम पकड़ के बोलते हैं आपको, पॉलिटिक्स में रहते हैं लकड़ी चुगाने वाले बहुत लोग रहते हैं, लेकिन हम जो चल रहे हैं सब भाई भाई के सरकार हम चलना, ये हमारा जीत है। नमस्ते। ये तो मैं आप सभी से सभी सदस्यों का बहुत शुक्र गुजार चाहते हैं हम सभी लोग, और हमारे दीपक रेड्डी जी हैं, क्या राजू जो है, दिलीप गौड़े है, और मैं सूरज पांडे हूँ। इस महफिल में आपके इफ्तार का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस यही आपसे विनती है कि हम सब लोग हिलजुल कर मिलजुल कर रहें, आपस में भाईचारा बांटे, बस यही अल्लाह से दुआ करता हूँ। मान्यवरे, नानु इवत्तु इफ्तार पार्टी ओळगिद्दीनि, आद कारण नम्मल्लि याव इदु इंत एनु विचार इल्ल, नावेल्ल ओळ्ळे ओंदिद्देवे, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣತಮ್ಮರಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಈ ಜನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೇಮಿದೆ, ಆ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಒಕ್ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭವನ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ರೀ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಣ್ಣ ಹಿಡಿದು ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ, ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭವನ ಭಾವನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಿಟ್ಟನ, ಜೀವನದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ನಡೆದಿದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಲ್ಲ ಬಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ। ಈಗ ಮಾ ಬಾಪಕ್ಕೆ ಸಬ್ ಮಿಲ್ಕೆ ಚಲನಾ ಸಬ್ ಕೋಯಿ ಯೇ ನಿಯಾ ಉಸ್ಮೇ ಸೇ ಯೇ ಬಾದ ಆಹಾರ ಯೇ ಯೇ ಕೋಯಿ ಭಾವನಾ ನೇ ಕರ್ನಾ ಉಸ್ಮೇ ಸೇ ಸಬ್ ಏಕ್ ಹೀ ಹೈ ಬಲ್ಕಿ ಸಮಾಧಿ ಚಲನಾ ಹೋತಾ ಇಚ್ಚ ಕಿ ಇಚುಕು ಭೀ ದೇ ತಕ್ಲೀಫ ಹೋ ತೋ ಕೋ ಆಸಾನ ಸಿದಾ ಸಿದಾ ಹೋ ನಾ ಇಸ್ಕಾ ಭೀ ಗಲ್ತಿ ಹೋ ಸಿದಾ ಸಿದಾ ಸಾಫ್ ಕಿ ಕೆ ಕರ ಕೆ ದೇನಾ ಭಾವನಾ ನೇ ಲಾನಾ ದಿಲ್ ಮೇ ಭಾವನಾ ನೇ ಲಾನಾ ದಿಲ್ ಮೇ ವೋ ಮೇನ್ ಹೈ ಹಮಾರಾ ಕಾಮ ಹೈ ಇಸ್ಮೇ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಖಾಲಿ ಲೇಡಿ ಜೈನ್ ತೋ ತಮ್ ತಕ್ ತೀನ್ ತೀನ್ ಹೈ ಖಾಲಿ ಸಬ್ ಮಿಲ್ಕೆ ಕರ್ತೀ ಪೂರೇ ಉಸ್ಮೇ ಸೇ कोई भावना आना ही नहीं उसके अंदर, किसी के पास भी नहीं भावना आना, सब मिलके चलना। क्या अब तक जो 1972 में जो हुआ, अब तक अल्लाह फजल से जो है ना, सब अब तक जो घटना हमारे पास नहीं है, जो कह रहे हम बहुत देखे हैं 1972 में, मैं खुद जो ने यूसुफ मसाल दुकान है ना, उनके दुकान पहले लगे तो हमारा दुकान उसको हमारा दुकान लग गया पहले, वो हम खुद बुझाने जाके जो है ना उसके अंदर जो तीन से तीन दिन तक हम सेंटर चौक में जो है ना स्टेडियम सब जगह ठीक है, जैसे जैसा डालते गए वैसा बढ़ते गए, बहुत गए। उसके बाद में क्या करें, सबको जनसंघ पार्टी आई, सब निकल गए, सबके निकल गए, निकलने बाद फिर क्या उम्र साहब आने के बाद फिर उठाई के उसको 3 साल तक कोर्ट फिर मई को फिर के जो है चले हम वो सब बहुत तकलीफ खाए हम ऐसा नौबत नहीं आने देना हमारे गुलबर्गे में कहीं भी क्या दो हमारा फर्ज जो है ना
वो कभी मिलके चलना होता है, दूसरा कुछ नहीं हमारा। दुबर्गे में हर साल हम बचपन से देखे बड़े के साथ ऐसी है, पहले बुजुर्ग भी ऐसे आए थे, अभी अभी हम बचपन से होते हमारे बच्चे भी ऐसे रहे, हर साल इस तरह ऐसे रहना। अब कोई तकलीफ नहीं, कोई सब भाईचारा सर का चल रहे हैं गुलबर्ग शहर में, अब किसी भी बात का तकलीफ नहीं है किसी को, ना हमारे तकलीफ ना उनको तकलीफ, फिर भी अच्छे तरीके से शांति सौहार्द से ये जो चल रहे ईद भरा हर चीज़, हम कुछ शामिल हो रहे उन्हों कुछ शामिल हो रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं कोई नहीं है। एक को एक भाईचारा सर का अभी तक आए, बच्चे से लेके बड़े तक, बुजुर्गों से तक, अब कई बड़े साहब थे हमारे बुजुर्ग थे उनके साथ ही ऐसे होगा, कुछ तकलीफ नहीं क्या नहीं, गुलबर्ग शहर अमन है, कुछ बात की तकलीफ नहीं है कुछ नहीं है, अच्छा चला ऐसे ही चलेंगे, और हमारे छोटे बच्चे हो रहे बड़े रहते ऐसे ही करेंगे, आगे कोई भी रहे तो ऐसे चलने की हम भावना करते हैं, ऐसे ही चलते रहेंगे ये सदी सदियों तक चलेंगे, ये मेरा मूल काम है। नमस्ते सुरेश, हमारे को ये अहले मस्जिद वाले मिलन चौक का हमारे बाजार वाले को इफ्तार पार्टी के लिए बुलाए, उनका सबका सदर वाले को उनका सम्मान करे बोल के उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम सब व्यापारी आए, दो साल से कोरोना के इसमें सब जन नाराज़गी थे, अभी सब जन आए बोल के इफ्तार पार्टी को बुला के हमको सबको बाजार वाले व्यापारियों को खिदमत करे, उनका सबका शुक्र अदा करता हूँ मैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सामईन और नाजरीन, आज मरकज़ी मस्जिद अहले हदीस गुलबर्गा में जमीयत अहले हदीस गुलबर्गा के तहत एक इफ्तार पार्टी गैर मुसलमान भाइयों में रखा गया। ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान है जो बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही हर दिल अज़ीज़ हमारा ये वतन है, जहाँ पर सदियों से सारे मज़ाहिब के लोग मिलजुल करके रहते हुए आए हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह सब मिलजुल करके रहेंगे। लेकिन कुछ तखरीब कार ज़हनियत के हामिल अफराद हमारे भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी ये कोशिशें कभी भी कामयाब नहीं होंगी। लिहाजा आपसी रंजिश और दिल की दूरियों को ख़त्म करने के लिए आज जमीयत अहले हदीस गुलबर्गा ने मरकज़ी मस्जिद अहले हदीस गाज़ीपुरा में तमाम गैर मुसलमान भाई जो हमारे पड़ोस में या आजू बाजू में रहते हैं सबको इफ्तार पर मदऊ किया। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने बैठ कर के आपस में गुफ्तगू भी की और इफ्तार भी किया और अच्छे तासुरात भी अपने पेश किए। लिहाजा ये बातें हमें ये बतलाती हैं कि हम मुसलमान जहाँ भी हों अपने मुसलमान भाइयों से गैर मुस्लिम भाइयों से मिलजुल करके रहें, खुसूसन पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करने का, हुस्ने सलूक करने का इस्लाम हमें ताकीद करता है। चाहे पड़ोसी हमारे मुस्लिम हों या गैर मुस्लिम हों, कोई भी हो, हर किसी के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। और इस रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में अपने गैर मुस्लिम पड़ोसियों को हमें दावत इफ्तार पर बुला करके एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए और हमारे इस वतन अज़ीज़ को लोगों की नज़र बद से अल्लाह महफूज रखे और तमाम मज़ाहिब को आपस में मिलजुल करके भाईचारे के साथ अल्लाह रहने की तौफीक अदा फरमाए।